स्वामी दयानंद सरकार का एकदम स्वामी दयानंद सरकार का जो है क्रिश्चियन को देते हैं, यहीं पर देखिए दिल्ली सरकार को सब सब्सिडी मिल रहा है दूसरे धर्म को, और हिंदू धर्म का गुरु जो है एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर 40 साल से ज्यादा दिल्ली में हूँ, हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, हम आपको क्या बताएं। मैं अपने दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कमाता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि राहुल चुननी ने कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो जिसका, न्याय दया का दानी, द आई नीड ऑलवेज हेल्प टू पुअर। यहाँ पर गरीब सबसे ब्राह्मण है, स्वामी जी यहाँ पर दिल्ली में क्या स्वामी जी में, हम दोनों बुजुर्ग हैं, हम दोनों को पेंशन मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए। सुनिए, किसको बना दिया मंडल आयोग, मंडल आयोग में कौन है, मंडल आयोग में यादव सबसे धनी कौन एबीसी आ गया। अच्छा देखिए, हम सब कॉमन में गरीब होते हैं, जाति पर पहुंच जाएंगे। मैं जाति पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ, कश्यप जी मैं ये चाहता हूँ, एक बार नानक जी ने को पूछा संत से कि क्या है, मैं दुखी हूँ, बोला कि सीट ऑन माई राइट हैंड साइड, तू दाहिने तरफ बढ़ जाए। तो नानक जी कहते हैं, सरदा नदे इंद्रवाला पर सरा मरो रे घर आया, अज सूरोए भिखियां खाए ऐसी दरगह मिली सजाए, रोए राम निकाला भया सीता लक्ष्मण पिछड़ गया, रोए दहसर लंक गवाए सीता लाए डोरू बजाए, रोए जन्मे जय खोई गाए एक कारण पापी भया, रोए पांडव भय मजूर जिसके साहब रहत हुजूर, रोए कृपण सच्चे धन जाए पंडित रोए ज्ञान गमाए, रोए शेख मुशायक पीर अंत समय नहीं लागा भीड़, बाली रोए ना ही पतार नानक दुखिया सब न सारम मिटी संसारम, यहाँ सभी दुखी हैं, यहाँ आज तक में आओ और प्रभु का गुण गाओ सुखी हो जाओ। आमीन आमीन। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। अंजना जी आप यकीन मानिए, तकरीबन 2.5 साल के बाद मैं किसी चैनल पर आया हूँ, मैंने डिबेटों में जाना बंद कर रखा, हम लोगों ने भी बुलाना बंद कर दिया, बिल्कुल इसीलिए ये मोहब्बत है आपकी, जैसे बुलाए आप आ ही गए जी। कभी भी चाहे साधु हो जो भी हो, हम सबका अदब करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी के सामने जोर से बोले या उनकी इंसल्ट हो या हम लोगों के सामने। दयाल साहब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग एक अच्छा डिस्कशन करें जिसमें कुछ नतीजे तक वहाँ पहुँचे। हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहे हैं कि हर आदमी की अपने मजहब में आस्था है, हम लोगों की दरगाहों में है जी। किसी की मठों में है, और आप सबको एक साथ कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। हम बाबा का कोई बचाव नहीं कर रहे, ना वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना मैं कभी उनसे मिला हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान में जब चुनावी रैलियां होती हैं, आप इस बात को समझिए, राहुल गांधी की रैली हुई भीड़ बुलाई गई लोग आए, प्रियंका गांधी की रैली हुई भीड़ बुलाई गई लोग आए, मोदी जी की रैली हुई, अब मोदी जी राहुल गांधी प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से वापस चले गए, अब अगर पब्लिक आपस में भिड़ जाए तो उसमें मोदी जी के क्या कसूर है, उसमें राहुल गांधी का क्या कसूर है, तो एक मिनट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जिम्मेदारी उस वक्त बनती है कि वो उनको कॉन्टेक्ट करें कि भाई ये हादसा हुआ कैसे। हम ये कह रहे हैं कि बाबा की गलती ये है कि उनको पूछना चाहिए था कि यह हादसा हुआ कैसे, लेकिन अब ये कह दिया जाए साहब राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए, उन गरीबों को क्या मिला। नहीं है अपने चरण रज लेने के लिए वो उकसा बिल्कुल रहे गलत थे, है, ये गलती नहीं बिल्कुल है। गलत है, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना, किसी की भी हो। देखिए ठीक, हम किसी एक लाइन में कंक्लूजन की तरफ हम किसी की बात पे ये कहते हैं कि साहब उन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा, क्या कोई ऐसा प्रमाण आपके पास, मोबाइल ही नहीं ले जाने देते थे तो क्या फिर कैसे बात निकल कर गई, तो तय करना पड़ेगा कैसे बात निकल जाएगा। कुछ भी बोलते रहते कुछ भी बोलते रहते, क्या नहीं बोला जा रहा, और डिफेंड कर रहे हैं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें ना क्या होना चाहिए, दो दो लाइन में, ऐसी बातें ना दो लाइन में सिर्फ दो लाइन में। मैं ये चाहूंगी कि कोई भी अगर ऐसा कृत्य किसी कोई भी अगर उसका अपराधी आरोपी मिलता है कड़ी से कड़ी सजा देखे। देखिए एक बात कहूंगी, इसकी कोई कोई नापतोल नहीं है कि कौन संत हो सकता है कौन बाबा हो सकता है, कोई नहीं ये जान सकता है, परंतु मैं चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी कोई भी ऐसा काम हो जो इसका आरोपी निकले जो दोषी निकले कड़ी से कड़ी सजा देके पूरा एक संदेश देना चाहिए। देखिए ये घटना बहुत ही दुखद है,
और ये घटना कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, इसलिए लेकिन इसी के साथ जिम्मेदारी तय होना चाहिए। संत, शासक, समाज तीनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पे आगे से सावधानी बरतें और इस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इस पे हम ध्यान दें। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, अंजना बहन, सरकार को एक अपना मापदंड निश्चित करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आकर व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा प्रवचन शुरू कर दे, ठीक नहीं। बाबा जी को वहां आकर के अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन जो दुखी हैं, जिनके पास इतना बड़ा जो है एक आकाश टूट गया दर्द का, उनके परिवारों को जाकर के अपनी सिंपैथी देनी चाहिए। उनकी इनके पास बहुत पैसा है, उस परिवार की मदद करनी चाहिए। प्रोफेसर दयाल, जॉन दयाल सर, देखिए मेरा यकीन है कि सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक जुडिशियल कमीशन इस पर बैठाया जाएगा। इतना बड़ा हादसा हुआ है और वो कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचेगा, वो एक बात है। दूसरी बात है कल्पेबिलिटी बिठानी चाहिए। मैंने आपको शुरू में कहा था उपहार सिनेमा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें कल्पेबिलिटी की पूरी लाइन साफ हो जाती है। एक सेकंड, एक सेकंड, टाइम खत्म हो गया सर, टाइम नहीं से मैं जल्द से जल्द कहता हूँ, बहुत शॉर्ट करता हूँ। बंग ने मृदंग पे गोरांग ने उमंग भर बांटे हर कीर्तन का आनंद अपार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की मीरा तुलसी किया जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक नरसिंह मुंजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पताल नाथ हाथ धर्म दंड लिए संत रैदास वाल्मीकि बिना सुना। उसी तरह से होना चाहिए संतों को, नरम सहज सुंदर सामर। ठीक, देखिए हाथरस का जो सरकारी जो अमला है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिन लोगों ने परमिशन दिया, कितने लोगों का परमिशन दिया, किस पर कितने एम्बुलेंस होनी चाहिए, कितनी पुलिस होनी चाहिए थी, और जिन लोगों ने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ना तो हम किसी को अभी निर्दोष ठहरा रहे हैं, ना हम किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं, बट स्थानीय प्रशासन का ये फेलियर है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो साध्वी जी ने कहा चरण रज वाली बात, ये गुरु तय नहीं करता है कि मेरे चरण लो या मेरे चरण रज लो, ये तो श्रद्धा में शीस झुकता है। अभी आशा भोसले जी के चरण धोने का सोनू निगम का मैंने फोटो देखा। एक सेकंड, अंजना जी, अंजना जी, मैं गया था साध्वी जी के प्रवचन में, जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सारे लोग चरण ही छू रहे थे। अब ये थोड़े कह रही थी कि मेरे चरण छुओ, अभी सोनू निगम ने आशा भोसले जी के चरण धोए, सबने देखा। तो प्रश्न ये पैदा था, ये श्रद्धा का देश है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी को कटघरे में खड़ा कर दें, श्रद्धा पे सवाल उठा दें, ये स्थानीय पुलिस प्रशासन का फेलियर है, मैं ऐसा मानता हूँ। और बाबा की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए। बाबा भाग गया, सबसे बड़ी गलती है।